आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप पेज सेटअप कैसे करेंगे, पेज का सेटिंग कैसे करेंगे पेज लेआउट टैब के थ्रू। यहाँ पे ये पेज लेआउट टैब है, पेज लेआउट टैब में यहाँ पे जब ये क्लिक कर दे पेज सेटअप खुल जा रहा है। यहाँ पे देखिए मार्जिन, टॉप मार्जिन, इसको जितना बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये बढ़ा रहे हैं तो नीचे बढ़ रहा है, इसको नोट किया, देखिए बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये टॉप मार्जिन हो गया जो डिफ़ॉल्ट में एक रहता है। ये बॉटम का मार्जिन, ये नीचे से देखिए ये नीचे से बढ़ गया, ये डिफ़ॉल्ट में एक रहता है, एक इंच। आप इससे कम भी कर सकते हैं लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो एक इंच है। ये लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट से कभी कभी नोट शीट बढ़ाने के लिए दो इंच का कर दिया जाता है, से डिफ़ॉल्ट में एक इंच ही रहता है। राइट मार्जिन, देखिए जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर चेंज होते जा रहे हैं। फिर ये गटर, गटर ये है जो हम पेपर जो वाइंड करते हैं वो पेज मार्जिन से अलग होता है। जैसे गटर पोजीशन, ये लेफ्ट है, यहाँ देखिए लेफ्ट में ये टॉप करेंगे तो ये टॉप हो जाएगा, राइट। ये इनवेलप, ये लेटर पैड जो बनता है उसका गटर ऊपर होता है, और कितना इंच मोटा रहेगा। फिर ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये ओरिएंटेशन है। और इसके बाद यहाँ पेपर, पेपर का यहाँ साइज है, साइज में आप यहाँ देख सकते हैं ये A4 है, जनरली हम लोग A4 पे करते हैं। लेआउट मार्जिन, इसी से ये हमारा हो जाता है। अभी ये देखिए यहाँ पे, फिर हम यहाँ से भी हम शॉर्टकट है, पोर्ट्रेट कर सकते हैं।